जिला नगर पालिका सफाई कर्मचारी यूनियन संघ के अध्यक्ष ने नगर पालिका अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। गुना नगर पालिका सफाई कर्मचारी यूनियन संघ के अध्यक्ष देव कुमार झावा ने कर्मचारियों के हित की मांगों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा और कर्मचारियों की मांग है कि सरकार के आदेश के अनुसार अस्थायी कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए और जो नियमित कर्मचारी हैं उनका अस्थायी किया जाए और कर्मचारियों को ड्रेस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और भी अन्य मांगों को लेकर उनके द्वारा ज्ञापन नगर पालिका अध्यक्ष को सौंपा गया। ये कर्मचारियों ने अभी ज्ञापन दिया है अध्यक्ष के लिए, क्या मांगे थी और क्या ज्ञापन था? तो हमने आज नगर पालिका अध्यक्ष जी और यहाँ के कर्मचारी को ज्ञापन दिया है। वो हमारी पूर्व में कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, उसमें आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ सुनवाई हो चुकी है छोटी मोटी, लेकिन उनका कहना है कि शासन का आदेश। मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांगे हमारी हैं जो कर्मचारी 10-10, 12-12 साल जिनको हो चुके हैं उनको स्थायी किया जाए, और जिनको अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा घोषणा की गई थी कि संविदा कर्मचारी जो हैं उनको सभी को स्थायी किया जाए, इस संबंध में हम आज नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ साहब से चर्चा करने आए थे। उनका कहना है कि शासन प्रशासन का जो कुछ भी आदेश आएगा उसके आधार पर हम तत्काल आदेश कर दिए जाए। अभी अभी आपने कोई आदेश उनको सुनिश्चित? अभी एक आदेश हमने ये दिया है कि चाचोड़ा, बीनागंज में, कोलारस में, आरोन में, भदरवास में, यहाँ पे किस आधार पे कर दिए गए हैं उस आधार को देखते हुए गुना में भी किए जाए, और अगर नहीं करेंगे तो इसकी ये जानकारी हम लगाएंगे, फिर इसके बाद आगे आंदोलन की कार्रवाई करेंगे रणनीति के। अभी अध्यक्ष ने क्या आश्वासन दिया? अध्यक्ष साहब ने कहा है के आदेश के आधार पर हम सब कुछ करेंगे। अपडेट मीडिया के लिए गुना से इदरीस मंसूरी के साथ अभिनय मोरे की रिपोर्ट।